सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सैमसंग मार्केट में लेके आ गया है अपनी गैलेक्सी ए सीरीज का एक नया ब्रांड न्यू फोन, जो कि दोस्तों ये है मेरे पास में फिलहाल। और यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है ट्रिपल कैमराज की, तो आज दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमसे बात करने वाला हूँ इसी नए A7 के बारे में। यहाँ पे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, भैया क्या है बॉक्स कॉन्टेंट्स, क्या है इस फोन में खास और क्या क्या दोस्तों सैमसंग ने काम इन्हीं तीन कैमराज के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ पे मेरे पास में बॉक्स सैमसंग गैलेक्सी A7 का, और यहाँ पे दोस्तों सामने ही क्लियर मेंशन है ट्रिपल कैमरास को लेके। और इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे जो आइकन है बताते हैं भैया कैमरास होने वाले हैं एक के नीचे एक के नीचे एक। बाकी दोस्तों हमें पीछे कुछ और हाईलाइट्स भी बताती हैं इस फोन के बारे में, कुछ और डिटेल्स, जहाँ पे बात हो रही है ट्रिपल इंटेलीकैम, यानी कि भैया कुछ स्मार्ट फीचर शायद हमको मिल जाएंगे इन्हीं कैमराज में। आपको मिलने वाला है यहाँ पे इन्फिनिटी डिस्प्ले, दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो होने वाला है साइड माउंटेड, और यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले है वो है एक 6 इंचेस का 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला सुपर एमोलेड स्क्रीन। दोस्तों कैमरा कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा है कि आपको मिलता है 24 MP का मेन कैमरा, साथ में है दोस्तों 5 MP का कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए, और जो तीसरा कैमरा है 8 MP का वो आता है अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ में। और यहां पर जो फ्रंट कैमरा है वो भी है 24 MP का। और यहां पर दोस्तों ये जो वेरिएंट मेरे पास में है ये है 4GB की रैम 64GB स्टोरेज वाला, इसका एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है मार्केट में जो कि है 6GB रैम 128GB की स्टोरेज के साथ में। यहां पर दोस्तों को मिल जाता है सैमसंग का एक्सिनोस 7885 प्रोसेसर, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर दोस्तों है, और यहां पे अगर आप उसको करते हैं कंपेयर तो ये 636 और 660 के बीच में ही कहीं पे आता है। और बाकी दोस्तों ग्लास डिजाइन है, 3300 mAh की बैटरी है, तो बातें हो गई हैं बहुत सारी। और यहां पे दोस्तों जो बॉक्स पे प्राइस लिखी है वो है 25,600 रुपए, लेकिन इस फोन की दोस्तों जो प्राइस है वो है 23,990 रुपए, और जो दूसरा वेरियंट है वो आता है 28,990 रुपए के साथ में। तो यहां पर दोस्तों प्राइस थोड़ी सी ज्यादा ही लिखी है बॉक्स पर। इनफैक्ट अगर दोस्तों इसको करते हैं परचेज अपने HDFC बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड के साथ में, तो आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा कैशबैक 2,000 रुपए का। और मैं यहां पे कर रहा हूं सील्स को ब्रेक एक कैंची के साथ में, आई थिंक कि भैया मेरा हाथ ना कटे और बस सील ब्रेक हो जाए। सैमसंग के फोन में ना चारों तरफ बहुत सारी होती है सुरक्षा, और मैं इस कवच को ही तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, चाकू नहीं है ना मेरे पास में एक्चुअली, तो आई थिंक हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों देखते हैं कि कैसा निकलता है अंदर से फोन गैलेक्सी A7, और ट्रिपल कैमरा है तो देखते हैं भैया क्या हुआ है इंटरेस्टिंग इस बार सैमसंग की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स खोलते ही हमको रखा हुआ मिल जाता है यहाँ पे ये सामने फोन। मैं एक बार इसको दोस्तों रखता हूँ निकाल के साइड में, एक झलक आप देख सकते हैं पीछे ट्रिपल कैमरा कॉम्बिनेशन की। यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा जो बॉक्स कॉन्टेंट्स हैं वो क्या मिलेंगे हमें, मैं एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ पे है कुछ बेसिक पेपर वर्क, क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह, और इसके अलावा है दोस्तों यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल, बहुत ज़रूरी, माय वेपन ऑफ चॉइस। और यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा है ये बेसिक ईयरफोन्स जो कि इन ईयर स्टाइल नहीं है, और यहाँ पे ये है एक USB to micro USB केबल। मज़ा आ जाए अगर हमें जल्दी से जल्दी इसी प्राइस रेंज में टाइप सी वाले फ़ोन्स देखने को मिल जाएं। और बाकी है दोस्तों यहाँ पे ये एक चार्जर जिसकी जो आउटपुट रेटिंग है वो है दोस्तों 5 वोल्ट 1.55 एम्पियर्स। ये भी अगर एक फास्ट चार्जर हो जाए तो भैया मतलब मजा सा आ जाए। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बात हो गई है बॉक्स कंटेंट्स की, बात करते हैं सीधा इस फोन के बारे में, जहाँ पे मैं इसको दोस्तों निकालता हूँ इस प्रोटेक्शन से बाहर और देखते हैं कि ये हमें किस तरीके से मिलता है और क्या कुछ नया लेके आता है अपने साथ में ये ट्रिपल कैमराज के मामले में। और क्या बात है यार, डिज़ाइन तो डेफिनेटली काफ़ी दोस्तों प्रीमियम है, बिकॉज यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्लास सैंडविच डिज़ाइन, और ढेर सारे प्रोटेक्शन को मैं निकालूंगा फिर हम बात करेंगे इस फ़ोन के बारे में। तो आई होप कि और कुछ प्रोटेक्शन बाकी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं करता हूँ इसको बूट, आई थिंक कि जो बैटरी है वो इसके अंदर होगी। दोस्तों यहाँ पे भैया फोन तो हो गया है डेफिनेटली ऑन, बैटरी थी इसके अंदर, और यहाँ पे उसको करता हूँ सेट। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर बात करता हूँ आपसे डिज़ाइन की, तो पहली ही झलक में जो ये हाथ में दोस्तों फील हो रहा है फोन, वो मुझे काफ़ी अच्छा, काफ़ी लाइट और काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। जहाँ पे काफ़ी दोस्तों इसका स्लिम प्रोफाइल है, और ऐसे भी जो ग्लास बैक है ये इस फोन को दिखने में और सुंदर बनाती है। और यहाँ पे दोस्तों बात करता हूँ फिजिकल ओवरव्यू की, तो ये जो राइट साइड है यहां पे दोस्तों ये है फिंगरप्रिंट स्कैनर, और ये बेसिकली एक बटन भी है जिसको आप दबा सकते हैं। तो यहां पे ये बटन के अंदर दोस्तों है फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि है पावर लॉक अनलॉक बटन, उसके ठीक ऊपर है यहां पे दोस्तों बटन वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए, ऊपर की तरफ दोस्तों है यहां पे सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन को। और अगर आपसे बात करता हूं लेफ्ट साइड की, तो यहां पे दोस्तों ये है इस तरफ एक सिम ट्रे, मैं इसके ऊपर देखता हूं ओपन करके कि यहां पे डेडिकेटेड स्लॉट है या नहीं। सैमसंग अक्सर हमको देता है हालांकि डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट,
तो क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रॉपर एक स्लॉट मेमोरी कार्ड लगाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जो मिलता है लेआउट वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले है 3.5 mm वाला हेडफोन जैक, साथ में है यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और एक स्पीकर ग्रिल। बाकी दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ सैमसंग ने लगाई है कहीं पे 3300 mAh की बैटरी, और बाकी दोस्तों है एकदम कंप्लीट ग्लास डिजाइन। और यहाँ पे ये जो ट्रिपल कैमरा कॉम्बिनेशन है ये है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे है 24 MP प्लस 5 MP प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, साथ में एलईडी फ्लैश, सैमसंग की ब्रांडिंग। तो यहां पे दोस्तों मैं जल्दी शुरू कर लेता हूं अभी सेट, और हम बात करते हैं कि कैसा होगा ये फोन और क्या-क्या आपको इसके अंदर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहां पे जो है वो फेस अनलॉक को एक बार सेट करता हूं। चलो ये हो गया है डन। तो दोस्तों फाइनली जो है वो फोन हो गया है बूट, और यहाँ पे मैंने सारी सारे जो ऑप्शंस दोस्तों हैं वो कर लिए थे, बहुत मेजोरिटी वाले स्किप। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ पहले जाके सेटिंग्स में फोन के बारे में कुछ और डिटेल्स पता लगाने की, तो दोस्तों जाते हैं जो अबाउट फोन में, तो मालूम चलता है कि यहाँ पे दोस्तों जो सॉफ्टवेयर है वो ये फिलहाल काम कर रहा है एंड्रॉयड वर्जन 8.0.0 पे, और जो सैमसंग एक्सपीरियंस का वर्जन है वो है 9.0। और यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी अपडेट है वो है सितंबर के महीने का, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी दोस्तों यहां पे मैंने फिलहाल के लिए फेस अनलॉक को तो सेट कर लिया है, एक बार वही ट्राई कर लेता हूं। मैंने देखा और अनलॉक हुआ, हल्का से एक टाइम लेता है लेकिन ये अनलॉक होता है, मतलब पहले लॉक स्क्रीन आएगा उसके बाद में आप दोस्तों यहां पे इसको अनलॉक कर पाएंगे। और मैं यहां पे एक बार जल्दी से जाके सेटिंग्स में अपना जो फिंगरप्रिंट है उसको भी यहां पे करता हूं सेट, उसके बाद में हम बात करते हैं कि भैया कैसा होने वाला है यहां पे एक्सपीरियंस इस फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज करने जो कि आता है दोस्तों यहां पे साइड में। तो मैं एक बार इसको फिंगरप्रिंट को करता हूं रजिस्टर। आप अगर अंगूठे से करेंगे तो ही दोस्तों यहाँ पे काम हो पाएगा, तो बस बहुत जल्दी जल्दी जो है वो मैं सभी एंगल्स यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि ये सेट हो जाए। और उसके बाद में मेरे ख्याल से जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा कि आप जो है, ओके अभी बेस्ट जो है वो मैं सभी एंगल्स पे लगा रहा हूँ, तो बेस्ट ये है कि आप इस अंगूठे का लगा लें या फिर आप इस उंगली का लगा लें, मेरे ख्याल से ये दोनों ही कन्वीनियंट पोजीशंस रहेंगी। मैं करता हूँ यहाँ पे डन। तो यहाँ पे दोस्तों सेट हो गया है, और यहाँ पे मैंने इसको लॉक किया और मैंने अभी बटन दबाया, ये अनलॉक हो गया। मैंने इसको लॉक किया, बटन दबाया और ये अनलॉक हो गया। मतलब थोड़ा सा नेचुरल फील होता है, हालांकि हल्का सा आपको यहाँ पे एक डिले मिलेगा लेकिन बटन दबाया उसके बाद में अनलॉक हुआ, तो आपने बेसिकली कुछ ऐसा उसमें काम करेगा। लेकिन जो मेन हाईलाइट है भैया वो है यहाँ पे इसका कैमरा, और यहाँ पे दोस्तों एक बार मैं जल्दी से करूँगा एक सेल्फी टेस्ट, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी हो जाता है भैया यहाँ पे देखने को कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके ये दोस्तों मुझे देखते ही काफी एक अच्छी फोटो लग रही थी, प्रीव्यू में ही काफी क्लियर भी है और डेफिनेटली डेफिनेटली काफी ज्यादा डिटेल्ड भी है दोस्तों ये वाली फोटो। तो ये है 24 MP का सेल्फी कैमरा जहां पे आपको एलईडी फ्लैश भी मिलता है। इसका जो एपर्चर है वो है f1.9 का। तो मैं एक बार एक दोबारा फोटो लेता हूं, तो यहाँ पे दोस्तों ये है एक और सेल्फी जहाँ पे 1.9 अपर्चर आपको मिल जाता है। तो डिटेल्स डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा हैं, और ऐसे में दोस्तों जो रियर कैमरा है वो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो जो प्राइमरी कैमरा है उसमें अपर्चर है f1.7 का। तो ये मैंने लिया दोस्तों एक नॉर्मल शॉट, और अब मैं लेता हूँ यहाँ से एक वाइड शॉट, तो ये डिफरेंस आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पे कि मैंने ये दोस्तों लिया था शॉट, ये एक वाइड शॉट है, और ऐसे में ये जो शॉट लिया था ये एक नॉर्मल शॉट है। मतलब मैंने सेम पोजीशन से कितना ज्यादा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कवर किया है। तो ऐसे में दोस्तों ये है इसका रियर कैमरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड जो कि आता है 120 डिग्री के एंगल के साथ में, जो फील्ड ऑफ व्यू है वो है 120 डिग्री का। और ये दोस्तों स्टैंडर्ड आपका रियर कैमरा 24 MP वाला, जहां पे आपको 5 MP का डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है। मैं भी आपसे स्क्रीन पे कुछ और फोटो दोस्तों कर रहा हूँ शेयर इसी कैमरा को लेके। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A7 ट्रिपल कैमरास, और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन दोस्तों ये है कंप्लीट फ़ोन। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और क्या फ्यूचर में हमको ऐसे ही और कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स या ऐसे मतलब 3 कैमरा तो 4, 5, 6 कैमरास वाले फोन्स फ्यूचर में मिलेंगे देखने को या नहीं। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई थोड़ा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।